स्टेशन बरियारपुर थाना के सामने सामने एनएच से राष्ट्र राजमार्ग पर है। देखिए एनएच पर बारिश का पानी नहीं है, ये नाली का पानी है। ये लोकेशन जहाँ पर दूध उठता है बरियारपुर में, और रैचा मिल जो है तेल पेरने वाला मिल उसके आसपास है। देखिए ये जो पानी देख रहे हैं ये बारिश का पानी नहीं है, ये नाला की पानी है। नाला की पानी रोड पर आ गया है, रोड पर पानी आने की वजह से यहाँ पर 1.5 से 2 फीट गड्ढा हो गया है। अगर ऐसे ऐसे स्थिति होते रहेगा तो सड़क राष्ट्र राजमार्ग गुलाम हो जाएगा ग्रामीण लोगों का। सोचने वाली बात है कि एनएच रोड या कोई भी छोटा मोटा गली कोंटा जल्दी टूटता नहीं। उसका मेन कारण है कि गली में नाली के पानी आता है, नाली के पानी आने से टूटता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये नाला कूड़ा कचरा, यहाँ पर नाली के पानी है जिसके कारण से यहाँ पर भी गड्ढा होगा जैसे हो गया है। और खास बात ये है कि बरियारपुर चौक के आसपास की जो गांव घर टोला मोहल्ला गली कोंटा है उस घर का पानी एनएच 80 पर आ जाते हैं, जिसके कारण से एनएच पूरी तरह से पानी की वजह से खराब हो जाता है। देखिए यह लोकेशन बरियारपुर बदशाही पुल बैंक ऑफ इंडिया के सामने सामने है। इस जगह बहुत बड़ा गड्ढा था, इस गड्ढा को कई बार रिपेयर किया गया फिर भी ये काबू नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पर रोड पर गड्ढा होने की मुख्य कारण है कि यहाँ पर बाबा बजरंगबली का एक मंदिर है। मंदिर के सामने स्वाभाविक बात है नल का चापाकल रहेगा, चापाकल रहेगा तो चापाकल का पानी जाएगा कहाँ। यहाँ पर एक चापाकल का पानी तो बंद है, फिर ये पानी चल रहा है नल जल योजना पाइपलाइन कनेक्शन वाला, ये भी पानी बहकर रोड पर जा रहा है। देखिए बरियारपुर प्रखंड लगभग क्षेत्र नगर निगम में आ गया है। नगर निगम होने के बावजूद भी बरियारपुर चौक बरियारपुर बाजार में कहीं पर नाला निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण से यहाँ के व्यक्ति घर का पानी नाला के पानी रोड पर उतार देते हैं। रोड पर पानी आने पर रोड टूट भसक जाता है, टूट जाता है, गड्ढा गुड्ढी हो जाता है। यही कारण है जिसके कारण से रोड पर गड्ढा होता है, गाड़ी दुर्घटना होता है। ये जो बच्चा पानी छिड़काव कर रहा है यहाँ पर काफी धूल उड़ता है, धूल से बचने के लिए ये बच्चा सब अपने आसपास एरिया में छिड़काव करता है। नहीं छिड़काव करेगा तो यहाँ का जो नागरिक है वो सही से रह नहीं पाएगा। बरियारपुर चौक पर इसी तरह भीड़ भरकम लगते रहता है। भीड़ लगने के कारण है कि बरियारपुर चौक की चौड़ीकरण नहीं हुआ है। चौड़ीकरण जिस दिन हो जाएगा तो वाहन की भीड़ भरकम है, जाम घट, जाम लगने की समस्या दूर हो जाए। ये बरियारपुर के बदशाही पुल मात्र सिंगल लाइन का है, न कि इस पे दो लाइन वाहन गुजरती है। यह लोकेशन बरियारपुर फुलकिया आसपास है जो कि लंबा समय से गड्ढा बना हुआ है। ये जो गड्ढा देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2 फीट गड्ढा है यहाँ पर। यहाँ पर कई बार भरा गया है, कई बार रिपेयर किया गया, फिर भी NH80 राष्ट्र राजमार्ग काबू नहीं पा रहा है। ये भाई साहब अपने घर के आसपास पानी सेवा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर रोड पर गड्ढा गुड्ढे हो गया था, रोड टूट गया है। टूटने के बावजूद यहाँ पर कई बार रिपेयर किया गया मेरे सामने में, फिर भी यहाँ पर रोड सही नहीं रहता है, टूट जाता है बराबर। और बराबर टूटने के बाद जब लंबा चौड़ा वाहन भारी भरकम चलती है तो काफी धूल उड़ने लगती है, धूल उड़ती है तो यहाँ पर काफी कोहरोन हो जाता है। दुकान दौरी जो है ना गर्दा गुर्दी से भर जाता है, उसको बचाव के लिए रोकथाम के लिए पानी छिड़काव करते हैं, न कि रोड पर पानी जानबूझ कर देते हैं।